بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حضرات جی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گولدارے دی شکل بنائی مربع دی صورت زمین تے ہی آپ نے اس طرح گولدارہ لگایا پھر آپ نے اس دائرے دے درمیان وچ ایک نقطہ اپنے ہاتھ نال انگلی نال بنایا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی لکیر کھینچی جو اس دائرے تو باہر جا رہی تھی پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیراں اس لکیر دے آس پاس دائرے دے اندر چند کھینچیاں اور فرمایا درمیان والے اس نقطے تے انگلی رکھ کے فرمایا میرے صحابہ اے انسان ہے جڑا اس دائرے دے درمیان اور جڑا یہ دائرہ ہے یہ اس انسان دے آس پاس اس دی موت ہے جس نے اس نو گھیرے ہوئے نکلن دا کوئی راستہ نہیں پوری طرح انسان گر چکا ہے نہ نس سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے یہ انسان دا اخیر اس کی موت پھر آپ نے فرمایا جڑی لمبی لکیر کھینچی ہے یہ اس انسان کی امیداں نے جو اس دائرے تو باہر جا رہی نے اتنی زندگی نہیں جتنی اس دیا امیداں پھر آپ نے فرمایا جڑی آس پاس لکیراں کھینچیاں نے یہ اس انسان دی مصیبت اور دکھ نے ایک لکیر چو پھر دوسری لکیر پھر تیسری لکیر ایک مصیبت چو نکلتا ہے دوجی پہ جانا ہے دوجی چو نکلتا ہے تیجی پہ جانا ہے ساری زندگی اس نو مصائب گھیرے رکھ دے
कोई इंसान भी ऐसा नहीं जिसनों कोई मुसीबत ना है। हर इंसान लिए लाजिम है मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, दुख, बीमारी, ये हर इंसान नाल लाजिम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के दुख और तकालीफ जिन्हें आदिया ने उन्होंने इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, अल्लाह उन्होंने दर्जात को बुलंद फरमाता है। दर्जात की बुलंदी लई अल्लाह ताला अंबिया को दुख देता है, अपने प्यारे को तकालीफ देता है। और दूसरी वजह मुहद्दिसीन ने जो बयान फरमाई कि अंबिया अलैहिस्सलाम ते दुख मसाइब क्यों आते, फरमाते दूसरी वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूक के वाजे करना चाहता होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुसी इन्हां दी इबादत शुरू कर दो, ये मेरी मखलूक ने और मोहताज ने और इन्हां ते भी दुख और मसाइब आते हैं। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम हर नबी ही अपनी कौम सब तो ज्यादा खूबसूरत होंगे, हर कौम इतना कोई इंसान खूबसूरत नहीं होता जितना उस कौम का नबी खूबसूरत हो। इसी तरह नबी का किरदार भी मासूम होंगे, गुनाह तो भी पाक होंगे, अमकान होंगे, फिर उन्होंने हाथों मोजात का जहूर भी होंगे, ऐसे काम जो खिलाफ़ फितरत ने या खिलाफ़ अकल ने जो आम इंसान के हाथ तो होना नामुमकिन होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम दे अल्लाह मोइज़ात भी अता फरमा। तो साथ साथ अल्लाह ताला दुख देता है अंबिया ताकि उन्होंने मोइज़ात हुस्नो जमाल शान मुकाम दे के कौम उन्होंने अपना नबी तस्लीम करे, और दुख दे के मसायब दे के अल्लाह वाज़े करना चाहता है कि कहीं इन्हों की इबादत शुरू ना हो जाए, ये अल्लाह के बंदे ने, उसके प्यारे ने, उसकी मखलूक ने, खालिक को मालिक नहीं, दाता और मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं ने, उन्होंने इख्तियार चीज़ा नहीं। इस तो बाद अहले ईमान ते दुख दो किस्म दे, अंबिया अलैहिस्सलाम की बात वाजे हो गई, और भी बहुत सारी हिकमत हो जो मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाइया ने कि अल्लाह दे इल्म विच ने दो हिकमत ये वाजे ने कि अंबिया अलैहिस्सलाम ते इस वजह तो दुख आए। उस तो बाद अहले ईमान लई दुख और मसाइब दिया दो सूरत, बाज दफ़ा अल्लाह तबारक व ताला बंदे नू दुख दे के अजमांदा है, उसका ईमान दी परख होती है, पड़ताल होती है कि सुख विच ऐसा है तो दुख विच कैसा होए, और दूसरी सूरत यह होती है कि इंसान को लो कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह उसे पकड़ ले, सजा दे दे दुनिया च। ये हुण मैं और तुसानू गौर करना चाहिए कि असी किस मुकाम ते खड़े, इंसानों अपने गरेबान झांकना चाहिए कि असी अजमैश वाली लड़ी चा इस लाइन खड़े हैं या अजाब वाली कैफियत। मुहद्दिसीन किराम ने कुछ हिफाजती तदाबीर बयान फरमाइया, जिस तरह कुछ बीमारियां तो हिफाजती टीके वगैरह लगते हैं, अगर ये तुसी लगवा लो तो बीमारियां तुहाडे करीब नहीं आड़, इस तरह अगर इंसान मसायब तो बचना चाहे, तकालीफ तो बचना चाहे, कुछ हिफाजती तदाबीर इस्लाम ने बयान फरमाइया ने कि अल्लाह मुसीबतन वैसे ही तुहाडे दूर रखेगा। वो हिफाजती तदाबीर पहली तदबीर जो बयान फरमाई गई है कि वो अल्लाह दिया नेमतां दा शुक्र अदा करे, तो अल्लाह तबारक व ताला नेमतां वापस नहीं लवेगा, छीनेगा नहीं, जो नेमत दिती वो तुहाडे कोल ही रहेगी, जो उस नेमत का शुक्र अदा करो। शुक्र का तरीका ये आ कि जिसने नेमत दिती उसने मुहब्बत करे, जिसने नेमत दिती उसकी तारीफ करे,
जिसने नेमत दिती है उसकी इताअत करे और उसकी नेमतों का चर्चा करे और उसकी नेमतें दी हुई उंज इस्तेमाल करे जिवें देवण वाले ने हुक्म फरमाया। ये है उसकी नेमतों का शौक। अगर ऐसी सूरत इख्तियार कर लो तो फिर कुरान पाक ने फरमाया मेरे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सानू तुसी अपनी कौम नू अपनी उम्मत नू इस चीज़ का ऐलान कर दो, खुशखबरी दे दो। फरमा वाइज तअज़्ज़ना रब्बुको कि तुहाड़े रब का ऐलान है, तुहाड़े रब का फैसला है, तुहाड़े रब का कानून है, तुहाड़े रब का ज़ाबता है। फाइज तअज़्ज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम तुहाड़े रब का ऐलान आम है कि अगर तुसी मेरिया नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैंने अपनी जात की कसम है मैं नेमत होर ज्यादा अदा करा, वापस नहीं लवांगा, ज्यादा दिया। वाले इन कफर तो इन्ना अजाब ही लशदी, लेकिन याद रखो जे नेमतों का इनकार करोगे ना शुक्री करोगे तो फिर मेरी पकड़ भी यकीनन सख्त है, अजाब बड़ा सख्त। इस तरह कुरान पाक दूसरे मुकाम थे अल्लाह तबारक व तआला ने मा यफ़अल अल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। ऐ मेरे बंदो भला इस गल ते जरा इस बात ते गौर करो, कुरान पाक ते जितने भी तुसी गौर करोगे ना सब तो दर्दनाक ये आयत मुबारक है, जिस ते गौर कर लो। अल्लाह पाक ने फरमा मा यफ़अल अल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, ऐ मेरे बंदो जे तुसां शुक्र अदा करो ते मैं तुहानूं अज़ाब दे के की करना। मा यफ़अल अल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुहानूं अज़ाब दे के की करेगा? मेरी कोई खुदाई बढ़ जाएगी, मेरी कोई ताकत इजाफा हो जाएगा, मेरे कोई अपोजिशन का खतरा है, मैंने कोई किसी धरने का या किसी एहतजाज का या किसी झगड़े का या किसी इख्तलाफ का या इकतदार खो लैन का मैंने कोई खतरा है? फरमाया नहीं, मैं तुहानूं अज़ाब दे के की करना है जे तुसीं शुक्र अदा करो, मैं तो अज़ाब देंदा ही उदों हाँ जब तुसीं मेरी नेमतों की ना शुक्री और ना कदरी करते हो। और दूसरी हिफाजती तदबीर मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाई कि सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत हदीस दी मुखालफत ना करे। जदों हदीस और सुन्नत की मुखालफत होंदी है अल्लाह उदों अजाब देता, अल्लाह नाराज़ होंदा बंदे नाल। एहतियाती तदबीर यह है कि अगर मसायब तो तकालीफ तो दुखा तो बचना चाहते हो तो सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम की नाफरमानी छोड़। कुरान के अल्फाज فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। इन लोगों डर जाना चाहिए जो लोग मुहम्मद मुस्तफा सलम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, अगर इस रवश से कायम रहे तो कहीं दुनिया कोई फितना आजमैश अजाब ना आ जाए, अगर दुनिया बच भी गए तो क्यामत वाले दिन दर्दनाक अजाब हर सूरत आएगा उन्होंने लोगों को जो मुहम्मद रसूल की नाफरमानी कर। और इसके बारे कई अहादीस मौजूद। तीसरी तदबीर जो मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाई कि अगर मसायब तो दुखा तो तकालीफ तो तुसी बचना चाहते हो तो तीसरी हिफाजती तदबीर यह है ताकि तुहाडे ते मुसीबत आए ही ना, तकलीफ आए ही ना। फरमाते ने कुरान पढ़े अहादीस पढ़े, कुरान और अहादीस अंदर ओ अकवाम ओ उमम ओ कौमा ओ लोग जिन्हां ते दुनिया गिरफ्त आई अजाब आया है और तबाह होए ने बर्बाद होए ने और जिन्हां गुनाहों की वजह तो होए ने उन्हां गुनाहों का जिक्र कुरान हदीस है, वह गुनाह ना करे तो अल्लाह अजाब तो महफूज कर रहा है। तो जो ही गुनाह करे वह बंदा आज भी कोई तो फिर उसका कानून है ही जाबता है कि अगर वह कौम तबाह हो या ने तो भी बर्बाद हो जाओ, अगर उन्होंने अजाब आया तो थोड़े ते भी अजाब आएगा। कुरान हदीस पढ़ी, ऐसे गुनाह छोड़ दीजिए ना कीजिए जिन्हें गुनाहों से दुनिया अजाब की खबर कुरान च मौजूद। जो बंदा खुद गुनाह नू दावत दे, मुसीबत नू दावत दे, परेशानी दावत दे, दुख नू खुद दावत दे, जो कुरान उसने पढ़िया कुरान ही लिखिया कि यह गुनाह करोगे तो तुहाडे ते दुनिया च अजाब आ जाएगा, तो इंसान उ कम करे कुरान की इस आयत नू चैलेंज करे आण दो अजाब आंदा है। जिस तरह मुशरकीन मक्का ने कहा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं अगर सच्चे हो तो अजाब लो। और बल्कि कुरान पाक अंदर तो एक और अंदाज भी मौजूद कि अहले मक्का ने बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ के दुआ की थी, दुआ की करनी चाहिए थी कि या अल्लाह अगर ये तेरा नबी सच्चा है तो सानू हदायत दे, अखलाकी तौर दे, सोचिए तो यही दुआ का तकाजा दुआ इस तरह ही बनती कि अल्लाह अगर ये तेरा नबी सच्चा है
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਕਿਬਰ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਗੋਇਆ ਯਾ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਏ, ਅਜ਼ਾਬ ਏ, ਲਾਨਤ ਏ, ਫਟਕਾਰ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਦੇ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਪਕੜ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜੋ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ, ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਆ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ? ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਉਸਦੀ ਜਨਾਬ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾ ਮੁਸੀਬਤ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਪੈ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਢੂੰਡੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਤ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੇਖ ਲੀਜੀ, ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸਲਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾਬਾਸਾ ਤਹੂਰ ਇਨਸ਼ਾਲ, ਇਹ ਦਖੀਮਾਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੁੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਪਾਓਂ 'ਚ ਕਾਂਟਾ ਚੁਭੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ, ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜਦਾ ਫਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾ ਵਹਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਖੌਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੌਤੀਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਜ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾ ਵਾਲਾ ਨਬਲੋਵੰਨਕੁਮ ਬਿਸ਼ਈਇਨ ਮਿਨਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੂਇ ਵਨਕਸ ਮਿਨਲ ਅਮਵਾਲ ਵਲ ਅਨਫੁਸ ਵਸਮਰਾਤ ਵਬਸ਼ਿਰ ਸਾਬਰੀਨ। ਐ ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੌਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਖ ਅਤੇ ਫਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਵਬਸ਼ਰ ਸਾਬਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ, ਜਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਾਨ ਤਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇ,
यार नमाज पढ़ने आ, फिर दुख रोजा रखने आ, फिर तकलीफ आने, जनाब ज़कात देने आ, सदका करने आ, खैरात देने आ, मस्जिद चलाने आ, मस्जिद साफ करने आ, और हर खैर नेकी दा कम करने आ, फिर दुख ते मसायब परेशानियां साढ़े लिए क्यों ने भाई, उन्हां लिए भी परेशानियां सन जिन को जिंदगी कदे गुनाह होए ही नहीं, वो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी, फरमाया पहली चीज है मुसीबत आ जाए इंसान जीनी तौर पर तैयार हो, और दूसरी बात जड़ी काबले गौर है, मुसीबत आए तो समझे कि ये जड़ी मुसीबत आई है ये किसी इंसान का या मेरा कोई अमल दखल नहीं, ये मुसीबत आई है तो अल्लाह के हुक्म नाल आई, मां साहब में मुसीबत इल्ला बिज़निल्लाह, कोई मुसीबत आंदी है नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, और कुरान के दूसरे मुकाम से पता की फरमाया, फरमा कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ मेरे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हर गिज मुसीबत सन नहीं आ सकती, उही आंदी है जो अल्लाह ने साढ़े वास्ते लिखी हो, जो अल्लाह ने लिखिया इस तरह तो फिर अल्लाह के फैसले ते राजी रहे, दुख नु बुरा कहने की लोड़ की, अपने आप नू कोसण दी बुरा जनाब बुरा कहण दी और लान तान करन दी और बीमारियां दे उत्ते जनाब बोनू बुरा भला कहे, साडे लई दुख ने साडे लई मुसीबतां ने साडे लई परेशानियां ने, और फिर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करे बीमारी दूर करने वास्ते, गैर शरी इलाज कराए, गैर शरी दम करे, गैर शरी अंदाज अपनाए और अकीदा अपना खराब करे, जबकि तयशुदा बात है कि मुसीबत नहीं आती जब तक अल्लाह का हुक्म ना होए, मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों ते अल्लाह ते तवक्कुल रखना चाहिए कि मौला ओहीए, कारसाद ओहीए, मुश्किल कुशा ओहीए, जे बगैर बीमारी तो बीमारी बगैर इलाज तो दवाई तो बीमारी लाण ते कादर है, ओदी जात ते उम्मीद रखे, बगैर दवाई तो शिफा देवण ते भी कादर, पूरी तरह ईमान कामिल हो इंसान दा। के तीसरी बात जो मुसीबत दवानल काबले गौर कि जड़ी मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी इंसान को आ गई, कोई भी दुख है चाहे वह माली है चाहे जिस्मानी है, कोई भी तकलीफ है, कवे के ए अल्लाह मैं तेरे फैसले ते राजी, जो तू लिखे ना मैं तेरी तकदीर ते तेरे इल्म ते तेरी फैसले ते मैं राजी हाँ, मैं नाराज नहीं, जो कुछ मेरे को ले भी ते तेरा ही है और जो कुछ तू लै लिया भी तेरा ही, अल्लाह ये मेरा कोई कमाल नहीं, जो मेरे पास है ना ये भी तेरा। देखिए हदीस पाक सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान, सहाबा इकराम कुछ लोग मिलने वास्ते दूरों एक वफद आए हुए नबी अलैहि वसल्लम मसरूफ, आपकी बेटी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला दा बेटा बीमार सी, आपका नवासा, उन्होंने इतला भेजी पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लम जल्दी तशरीफ ले आओ, तोड़ा नवासा और मेरा बेटा बीमार है, और जान दो एक नाने वास्ते अगर पैगाम आ जाए, बच्ची का पैगाम आ जाए, बेटी का पैगाम आ जाए कि तोड़ा नवासा मेरा बेटा बीमार है, बच्ची तकलीफ नू दुख नू इंसान फितरी तौर पर बर्दाश्त नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा च मसरूफ सन, पैगाम तो सुने आ लेकिन कोई तवज्जो ना फरमाई, बेटी ने फिर पैगाम भेजिया कि या रसूल अल्लाह सलम जल्दी तशरीफ ले आओ, तुम आओगे कोई दुआ कर दोगे अल्लाह शायद रहमत फरमा दे, बेटा मेरा बीमार है। दूसरी मरतबा खबर आई, तीसरी मरतबा खबर आई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मामलात थोड़े जहा रोक के ना जरा पैगाम लेके आया सी उन्हों वापस भेजा, फरमाओ जाओ मेरी बेटी ने कह दो केड़ी बात, फरमा अन्ना लिल्लाहि मा आखज़ा वलहू मा आता, ऐ मेरे बेटे परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, जड़ा लै लवे वह भी अल्लाह दा है, तो जेकड़ा साढ़े को रह जाए वह भी किस दा है, अल्लाह। और यही अल्फाज ने ताज़ियत जो मुहम्मद रसूल असलम सिखलाए, कोई बंदा फौत हो जाए फरमा ताज़ियत वास्ते उत्थे जाओ तो यही अल्फाज मसनून ने पढ़ो, बजाय इस दे के फैता पढ़ो, कलाम पढ़ो, सत्तर फोड़ी तो कोई और विधि अल्फाज इस्तेमाल करो, या पढ़ो या पढ़े जान या कोई दा इत्माम इस्लाम नहीं, ए मसनून अल्फाज जाके बैठ जाओ, जिथे ताज़ियत ते पहुँचो कोई फौतीदगी हो ये बैठो और अल्फाज पढ़ो, कन लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहू मा आता, कि जो कुछ ये तुहाडे कोलो अल्लाह ने लै लिया ये किस दा है, ये अल्लाह दा, अल्लाह दा ही, और जो कुछ तुहाडे कोलो नहीं लिया तुहाडे कोल हजे महफूज है मौजूद है वह भी किस दा है, वो अल्लाह दा, व कुल्लो शैन इंदहू बिअजल मुसम्मा, और याद रखो जेड़ा कोई तुहाडे कोल है ये भी तुहाडे कोल थोड़े दिन वक्त मुकर्रा तक है, रब ने यह भी ले लेना,
एक बेटा टुर गया तो दूजे भी चला जाना, जे दूजा चला गया तो तीजे ने भी टुर जाना है, जे बाप गया तो मां ने भी टुर जाना है, जे मां चली गई है तो बाप ने भी चला जाना है। फरमा जो कुछ है ये उसे दा, और जो कुछ उसने लिया ये उसे दा। तो जदों कोई अपनी दिती हुई चीज वापस ले लवे, अमानतन दिती होए, आरियतन दिती होए, और वापस तकादा करे ले लवे, तो बंदे रोना चाहिए, हाल पारा पा ले। जदा फदा करे कि हाय हाय मैनू अल्लाह ने बेटा दिता सी तो उन्हें लै लिया, भाई दिता जो सी, देवन वाला भी होई है ते लैन वाला भी होई है, मालिक भी होई है, खालिक भी होई है। जदों देवे नेमत ओदी मर्जी है, जदों वापस ले लवे ओदी मर्जी है। मेरी बेटी ने जाके कह दो फल तस्बिर वल तहतसेब, कि इस मुसीबत ते सबर करे और अल्लाह को सवाब दी उम्मीद रखे। मैं मुहम्मद दे आन नाल हुण कुछ नहीं हो सकदा, होना ओही है जो अल्लाह ने लिख दिता है। मेरी बेटी अल्लाह दे फैसले ते राजी हो जा, अल्लाह दे फैसले ते इंसान राजी रहे और वो दे अंदर खैर दा पहलू तलाश करे। अल्लाह इस मुसीबत नू मेरे वास्ते खैर बना दे, मेरे वास्ते रहमत बना दे, मेरे वास्ते बैसे अजर बना दे, बैसे सवाब बना दे। जहरी मुसीबत होंदी है, लेकिन अल्लाह उस मुसीबत विच भी मोमिन लई खैर लिखी होंदी है। जे बंदा जदा फदा ना करे, खिलाफ शरीयत कोई अमल ना करे ना, तो अल्लाह उस मुसीबत नू भी उदे वास्ते बैसे रहमत बना देंदा है। हदीस सुन लो, सही बुखारी अंदर हदीस है, सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी सैयद अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला, इन्हां ने कहा होया सईद उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला, वो पहले बेवा सन, उन्हां दा शौहर फौत हो गया, उन्हां दा बेटा सी अनस रजी अल्लाह तआला, उन्हां उन्हूं अपने महबूब की खिदमत वास्ते वकफ कर दिता और खुद दूसरा निकाह कर लिया अबू तलहा रजी अल्लाह तआला। अल्लाह ने बेटा ता फरमाया अबू तलहा नूं, सईद उम्मे सुलैम नूं। हदीस सही बुखारी अंदर अल्लाह दा अमर देखो मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई। सईदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने बेटा बख्शिया। कुछ अरसे बाद वो बेटा बीमार होया, बीमार इस कदर कि मौत जिंदगी दी हालत कैफियत है। सईदा अबू तलहा रजी अल्लाह ने किसी जरूरी काम सफर ते जाना पै गया, वो चले गए। शाम नूं ना वापस आना सी, अल्लाह दा अमर कि बेटा बाप दे आवण तो पहले फौत हो। जदों फौत होया तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला नाल सोच रही, यानी कि जो ही अबू तलहा आएगा घर दाखिल होएगा, अगर रोना देखेगा, परेशानी देखेगा, बेटे का फौत होना सुनेगा, दुखी तो होएगा, परेशानी तो होएगी। क्यों ना अपने शौहर दे वास्ते मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार करा कि मेरे शौहर नू कम तो कम गम पहुँचे, तकलीफ पहुँचे। देखिए कितनी प्यारी तरतीब है और किस कदर कुरान पाक खुद फरमाए, याद रखिए मुसीबत नू गाली ना दीजिए, बुरा ना कही, उदे अंदर खैर तलाश कीजिए। मसाइब आंदे रहंदे ने, अंबिया ते भी आए ने, औलियाए किराम ते भी आए ने, असाबे रसूल ते भी आए, आले रसूल ते भी आए ने, अहले बैत ते भी आए ने, नेकोकारां ते भी आए ने, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन किराम, उलमाए उम्मत, सारे दे दुख मसाइब तकालीफ आंदियां ने। कुरान पाक ने इसी वास्ते फरमाया आसान तकरहु शयान वह वह खैरुल्लकुम, करीब है कि तुम अपने वास्ते किसी तकलीफ न किसी शहर ना पसंद करो, लेकिन अल्लाह ने तुहाड़े वास्ते वो बेहतर बनाई हो। वह आसान तो हिब्बू शयान वह वह शरुल्लकुम, हो सकता है तुम किसी शहर को पसंद करते हो, वो मुहब्बत करते हो वो, लेकिन अल्लाह ने वो वास्ते तुहाड़े अंदर तुहाड़े वास्ते शर रखे हो। वल्लाहु यालम वान तुम ला तालमून, तुम नहीं जानते, जानता कौन है अल्लाह। ताही अल्लाह पाक ने अपनी बीवियां दे कुरान पाक मोमिना नू अपनी बीवियां दे बारे हुक्म दिता है, वाह शुरू होना बिल मारूफ, खबरदार तुहाड़ियां जिहड़ियां बीवियां ने तुहाड़े घर दे मामलात ने उन्हां नाल अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उन्हां नू मारो ना, ना कुटो ना, फरमा जुलम ना करो, ज्यादती ना करो, उन्हां अच्छे तो अच्छा सलूक करो। फरमाया फैन करे तुम ना, हो सकता है तुहाड़ी बीवी तुहानू ना पसंद होवे, तुहाडे वालदैन ने तुहाडे वास्ते रिश्ता पसंद कीता, तुहानू ना पसंद होवे, उहदी कोई सूरत ना पसंद है, रंग ना पसंद है, कद ना पसंद है, कोई उहदी आदत ना पसंद ने। फकरे तुम ना, करीब है इबादत दा मकान है कि तुहानू ना पसंद होण, लेकिन याद रखना फासान तक रहो शयान, याद रखिए कि अन करीब ये हो सकता है कि तुहानू कोई चीज़ उस बीवी की उस औरत की ना पसंद होवे, रंग पसंद नहीं, सूरत पसंद नहीं, नक्शो नैना उदे पसंद नहीं, कोई चीज तो ना पसंद है, लेकिन याद रखना वह यज अल्लाह हो फी खैरन कसीरा, तुसी अच्छा सलूक करो, हो सकता है अल्लाह उदे विच तुहाडे वास्ते खैर कसीर रखिया। ओही बीबी जिहदा सूरत तुहानू पसंद नहीं, आदात पसंद नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਬਿਹਤਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਜੀਏ। ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਸੁਣੀਏ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਇਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਖੁਦ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਤਲੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ। ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਈਅਤ ਪਈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਈਅਤ ਖੁਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈਏ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਖੀਏ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਰਤ ਦੇਖੀਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ, ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਅਬੂ ਤਲਹਾ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵਾਪਸੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਤਲਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀਨਾ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ। ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖਲਵਤ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਹੋ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੋ, ਕੈਸਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵੱਲ ਟੁਰੇ ਔਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅਸਲਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਲਮ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਾਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ, ਖੈਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੈਰ ਲਿਖੀ। ਫਰਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੋਂ ਘਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅਨਸ, ਐ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾਓ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹਾ ਧੋਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕੋ ਬੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਿਯਮ ਉਲ ਬਦਲ ਦੇ ਛੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਨਸ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੀਬ ਆਏ। ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੇ ਗੁੱਟੀ ਲਗਾ ਦਿਉ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਿਆਓ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ, ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਲਿਆਓ। ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚਬਾਇਆ, ਚਬਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਲੁਆਬ ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਂ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੈਰ ਰੱਖੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਮ ਕੀਜੀਏ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਰੋ, ਗੰਢੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਔਰ ਬਿਦਾਤ ਔਰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਕੱਪ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਨਹੀਂ।
मोमिन भी मुसीबत दे अंदर अल्लाह को खैर दी दुआ फरमाता है, अल्लाह इस मुसीबत नू खैर बना दे, रहमत बना दे। सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम 2 साल हो गए मदीना पाक पहुंचे हिजरत तो बाद, इतला मिली एक लश्कर है अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला की क़यादत दे अंदर, जे मुसलमान नहीं सन साहबी ने जो बाद इस इस्लाम दाखिल हो। एक शाम चो लश्कर लैके वफद तजारती लो जनाब काफिला जा रहे हैं और बदर दे मकाम एक ऐसा सी जिथों गुजरते सन सारे तजारती काफिले शाम वाले यम्बो वाले इस इलाके दे जो मक्के मुकरमा वाल जाते सन अगो यमन वाल जाते सन सारे तो गुजरते सन। बदर एक ठंडी जगह सी जिथे कुछ पानी का भी इंतजाम इंसलाम सी, लोग इतने रेंदे सन कुछ ना कुछ काफिले इतने मुकर्रो जाते सन और इतने बल्कि मंडी सी लोग इतने आके सौदा बेचते भी सन। मदीने और इस तरफ वाले लोग इधरों समान इतों लैके वापस चले जाते सन, कुछ काफिले आ गए कुछ काफिले शाम कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। बदर एक ऐसा मुकाम सी नबी अलैहिस्सलाम तला पहुंची कुफार दा बहुत बड़ा तिजारती है काफिला बदर तो गुजरन वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा तैयारी करो, उस काफिले ने रोकना है तो लुटना है, कोलो माल कुफार कोलो, इन्हों का माल अल्लाह ने साढ़े लिए हलाल किया, उठो तैयारी करो। साहबा इकरम तैयार होए, माल दे रादरा 313 साथ चले। नबी अलैहिस्सलाम उसके वास्ते कोई ज्यादा असलिया जरूरत नहीं, काफिले ने रोकना है, काफिला इतना ज्यादा तिजारती मुसल्ला नहीं होता, रोक लाँगे रोक के तो उन्होंने को सारा कोई दाने जो कुछ होएगा लुट लाँगे, ऊँट लै लाँगे, बंदियां छोड़ देंगे या मार देंगे या कैदी बना देंगे। नबी अलैहिस्सलाम तो असलम साहबा लेके चले, जो मैदान बदर ते पहुंचे अबू सुफियान रजी अल्लाह पहले इतलाह हो गई कि लगता अहले मदीना मुहम्मद मुस्तफा की क्यादत काफिले रोकणगे, उन्हें रास्ता बदल लिया, वो समुद्री रास्ते नाल किनारे चलते चलते बदर वाला मुकाम क्रॉस कर गए। उधरों कुफारे मक्कन पता चलिया कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा का यह रात है, उन्हें तैयारी की अपने लश्कर को बचाने वास्ते, 1000 का लश्कर तरतीब दिता, फौज तैयार की, मुसल्ला होए असलिया लिया तलवारा लिया नेजे लै जनाब तीर लै वो अपने काफिले बचाने वास्ते। अल्लाह का अमर देखो अबू सुफियान का काफिला निकल गया और मुहम्मद मुस्तफा जिस काफिले जनाब रोकण आए सन वो काफिला ते चला गया। जो वापस पलटन लगे आसमान तो खबर आई हुण वापस नहीं जा सकते, 1000 दा लश्कर कुफार दा आ गया, अज तुहाडा मुकाबला होएगा। साहबा परेशान, अखा खुल गईया परेशान हैरान, आए सा काफिला लुटन वास्ते ते की हो गया। फरमाया नबी अलैहि सलाम ने साहबन रोकिया, मेरे साहबा 1000 दा लश्कर उधरों आ रहा है और भीड़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, पहला जा इस्लामी जा मारका बरपा होने वाला है। मेरे साहबा 1000 दा लश्कर है, मुसल्ला भी ने तीर सारा कुछ उन्हें को हर चवी समान मौजूद है और तुसी ते आए सो एक मामूली जे तजारती काफिले रोकण वास्ते, असला साढ़े कोई नहीं, बूढ़े जनाब कुछ साहबा ने कुछ नौजवान ने कुछ बच्चे ने 313 टोटल, हम दसो की करिए, लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। सारे साहबा कह लगे यार रसूला सी कोई मूसा अलैहि सलाम की कौम जैसे नहीं, असी लड़ांगे और अल्लाह दी राह जिहाद करांगे। फरमाया फिर तैयारी करो, तैयारी हो गई, उधरों 1000 दा लश्कर आ गया। साहबा परेशान ने वक्ती फितरी दुखाव भी है, परेशानी भी है, दुख भी है कि आए किसी और इरादे सा ना आए, मामला तो और बन गया, परेशान होए। अल्लाह ने इनामात देखो, मुसीबत अजमैश आए, अल्लाह ने किवें खैर फरमाई। पहले ऐलान किया नबी अलैहिस्सलाम, मेरे साहबा सुन लो, लई यदखुलन नार मन शाहिदा बदरा, जेड़ा अज बदर मैं मुहम्मद नाल मिलके कुफार के खिलाफ जिहाद करेगा, मैं मुहम्मद जमानत दे हर गत जहन्नम च नहीं जाएगा, अल्लाह जन्नत अता करेगा, तुझी सारे जन्नत जाओगे। दूसरा ऐलान आया, ए मालूमा शे तुम कद गफर तो लकुम, मेरे महबूब साहबा बदरिया कह दो आज तो बाद सारी जिंदगी तुहाड़े कोलो कोई गुनाह हो चाहे मैं अल्लाह ऐलान करना गुनाह बाद च होएगा, माफी तुहानू पहले, कोई तुहाड़े कोलो गलती गुनाह हो जाए मैं तुहानू माफ कीता, जो चाहो करो, जो तुहाड़ा दिल करे हो करो, गुनाह होवे तुहाड़े कोलो सवाब होवे गुनाह होवे, मैं अल्लाह तुहानू वास्ते बशारत रखी है कि तुहानू माफ करता है, मगफूर हो, जन्नत तुहाड़े ते वाजिब है, तुसी जहन्नम च दाखिल नहीं होवोगे, मेरा ऐलान। फरमाया या अल्लाह सी ते ऐसा काफिला लुटन वास्ते ते ओ ते अगे चला गया, माल ते सानू कोई ना हाथ आया। फरमाया इस मुसीबत ते तुसी कामयाब गुजरे, तुसा अपने जिहाद दा और अपनी नीयत दा इजहार कर दिता, हुण देखो वो 1000 दा लश्कर असी तुहानू बहुत कम दिखावांगे तुहाडीआं निगाहां और तुहानू पड़ा चढ़ा के दिखावांगे। और दूसरा ऐलान सुन लो, फरमाया वो कैदी कुफार जड़े बड़े बड़े जनाब सरदार ने कुफार अबू चाल और उत्बा साहबा उमैया बड़े बड़े चौधरी वो तुहाडे हत्थों कतल करवावांगे, बाकी गिरफ्तार करवाओगे, जड़े गिरफ्तार होणगे
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋਨਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਛੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਦੀਆ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੈਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤਕਲੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੈਰ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਟਾਂਗ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਜਨਾਬ ਫਾਲਜ ਪੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਖੈਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਨਾਲ ਸਈਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਤ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ, ਇਤਨੀਆਂ ਹੁਸੀਨ ਖਾਤੂਨ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਹੁਸੀਨ ਔਰਤ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਈ। ਇਤਨਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਸੀ ਸਈਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ 'ਤੇ, ਜੋ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਨਸੀਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਫੌਜੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਖੂਬਤ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੌਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਅਖੂਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ, ਮਦਦ ਬਚਾਈ ਆ, ਗਿਸਨੀ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਪਹੁੰਚੀਏ, ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਲ ਕੋਈ ਬਾਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਹੁਸੈਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਡਿਆ, ਹੁਸੈਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ, ਯਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੂਫੇ 'ਚ, ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕੌਣ ਬਚਾਏ? ਉਹ ਬਚਾਏ ਜੋ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਝੇ ਬਚਾਏਗੇ। ਕਿਸ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹੋ? ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਕੋ ਬਤਲਾਓ, ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਹੁਸੈਨ ਪੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ? ਉਨਕੋ ਨਾ ਪੁਕਾਰ, ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਉਨ ਪਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਥੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਥੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਥੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਜਿਤਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵ ਮਸਾਬ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਮ ਉਨਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕੇ ਪੀਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਤਾ, ਯੇ ਸਦਕਾ ਅਤਾ, ਯੇ ਗਾੜੀ ਕਿਸ ਕੀ ਅਤਾ ਹੈ? ਅਤਾ ਮਹਰੂਮ ਫਦਕ, ਯੇ ਮੁਝੇ ਗਾੜੀ ਉਸ ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਰਾ ਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਰਾ? ਜੋ ਫਦਕ ਸੇ ਮਹਰੂਮ ਕਰ ਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਛੀਨ ਲਿਆ ਥਾ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛਿਨ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਝੇ ਗਾੜੀ ਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਲਿਖਤੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਹੋ ਕਿਆ ਰਹਾ, ਲਿਖ ਕਿਆ ਰਹਾ? ਉਸ ਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਦਦ, ਜਿਸ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛਿਨ ਗਿਆ। ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਮਹਰੂਮ ਬਾਗ ਫਦਕ, ਯਾਨੀ ਫਦਕ ਸੇ ਜਿਸਕੋ ਮਹਰੂਮ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਯੇ ਗਾੜੀ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲੇ ਕਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੁੱਖੋ ਪੇ ਥੀ ਆ, ਜਿਨਕਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛਿਨ ਗਿਆ ਥਾ। ਅਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਮੇਂ ਨਾ ਲਿਖਾ ਵੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮਾਂਗੋ। ਬਤਾਓ, ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕੋ ਕੁਫਰ ਕੋ ਕਿਆ ਸੀਂਗ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਂਗੋ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਤਕਦੀਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਵੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮਾਂਗ ਲੋ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੁਝੇ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਬਤਾਈਏ, ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਵੋ ਹੀ ਹੁਆ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾ ਥਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋਹੀ ਹੁਆ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾ ਥਾ। ਕਰਬਲਾ ਮੇਂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਇੱਕ ਬਦਰ ਕਾ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋਹੀ ਹੁਆ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾ ਥਾ। ਲਈ ਉਸੀਬਨਾ ਇਲਾ ਮਾ ਕਤਬ ਅੱਲਾਹੁ ਲਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਯੇ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਲਿਖਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲੇਖ ਮੇਂ ਮੇਕ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਕਾਟਨੇ ਵਾਲਾ, ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੋ ਕੋਈ ਕਾਟ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਾ ਮਾ ਯਸਤਰੂਨ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸਕੋ ਕਾਟਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੁਰਅਤ, ਇਖਤਿਆਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਸਈਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ,
नहीं पुकारा किसी को। इब्राहिम खलीलुल्लाह सलाम बाहर थे, तुम यहाँ हो, सैयदना अली की कब्र कूफा में है, तुम यहाँ हो, सैयदना हुसैन की कब्र करबला में है, तुम यहाँ से पुकारते हो उनको, मुश्किल कुशाओं हाजत रवाओं को। ये देखिए सारा अलैहिस्सलाम कमरे में है, बार खलील खड़ा है, नहीं पुकारा खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को। काश अकीदा सही हो, मुसीबत आ गई है, दुख आ गया है, बादशाह सारा की तरफ बढ़ने लगा है। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हदीस बुखारी है, बार नमाज शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ते, इस्ताईनु बिसब्र वस्सला, मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगो। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बार नमाज शुरू कर देते हैं, ए अल्लाह मेरी इज्जत की रखवाली कर, अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है, मेरा लिबास है, वो अंदर है बादशाह के कमरे में है, कहीं मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। सारा अलैहिस्सलाम अंदर है, सारा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कमाल कर दिया, अल्लाह के अर्श को हिला के रख दिया। जब अल्लाह से ताल्लुक न हो बंदा तवीजों के हवाले हो जाता है, जब अल्लाह से ताल्लुक न हो फिर बंदा दरबारों पे, कब्रों पे मिजावरी बन के सार जिंदगी। जनाब आपने अपने ईमान को, अकीदे को, इज्जत को, गैरत को, माल को बर्बाद कर बैठता है, और जब अल्लाह के साथ राबता हो किसी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। सारा ने क्या कहा, अल्लाह के अर्श को हिला के रखा है, मेरे अल्लाह मेरी बात सुन ले, मेरे सिवा तेरे इब्राहिम पर दूसरा ईमान लाने वाला शख्स कोई नहीं है, अकेली औरत हूं जो तेरे खलील को अल्लाह का नबी मानती हूं, तेरा खलील मानती हूं, और दूसरी बात मेरे अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे कसम है तेरी जात की, आज तक मैंने बदकारी नहीं की, गुनाह नहीं किया, मेरा जवानी गुजर गई, मेरा कुवारापन गुजर गया, मैंने गुनाह नहीं किया, आज ये जालिम जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत हो जाए, मुझ पर काबिज हो जाए, मुझ पर इख्तियार रखे और मुझे पकड़े और मुझसे बदकारी हो, ए अल्लाह फिर तेरी शान मुकाम किस लिए है, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैंने आज तक गैर बंदे को अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दिया। अल्लाह की कसम यह सबसे बड़ा वसीला है, बंदा अपनी पाक दामनी को अल्लाह के सामने पेश कर दो तो आकर रोखा कि या अल्लाह मैंने आज तक ज़िना नहीं किया, अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा दे, अल्लाह अगर तुम मुझे बीवी दी है, बेटियां दी हैं, बहनें दी हैं, तो या अल्लाह मैंने आज तक ज़िना नहीं किया, अल्लाह हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का खुद रखवाला बन जाए। जब बंदे के अंदर खुद नक्स मौजूद हो तब ये जलील होता है, रुसवा होता है। सारा अलैहि सलाम ने दो दिए हवाले दुआ में, या अल्लाह मेरे सिवा मोमिन कोई नहीं, तेरे खलील पर ईमान लाने वाला कोई नहीं, और मैंने आज तक ये गुनाह नहीं किया, अभी गुनाह यही बात कह रही थी बादशाह, जमीन पे गिर पे फालज पड़ गई, तड़प रहा है, कहता है सारा मेरे लिए दुआ करो, जिस रब ने तुम्हारी दुआ सुनी अल्लाह वो मुझे शिफा दे दे, कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, मैं किस तकलीफ में आ गया हूँ, दुआ करो। सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह जे ये बंदा इतने मर गया, दरवाजा खोलिया तो कतल भी तो मेरे ते पैना, एक मुसीबत जो मैं दूजी पाना चाहना, एक मुसीबत से निकल दूसरी मुसीबत में पड़ गई, अगर यहाँ से इज्जत बच गई तो कतल तो मुझ पर पड़ गया, ये मर गया तड़प गया, यहाँ तो बाहर निकलूंगी तो लोग तो मुझे पकड़ लेंगे, अल्लाह मुझे एक मुसीबत से निकाल दूसरी में डाल रहा है, मेरी हिफाजत फरमा, रहमत फरमा, इसको शिफा दे। अगर बगैर इलाज के बीमारी दे सकता है, बगैर दवाई के शिफा भी अता कर सकता है, देख लो शिफा मिली अल्लाह के आम्र से, सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से बादशाह उठ खड़ा हुआ, दोबारा बुराई का इरादा किया, फिर गिरा, फिर उठा, तीन मरतबा ऐसे हुआ। अब देखो मुसीबत है, कितनी बड़ी मुसीबत है सारा पर, कितना बड़ा दुख है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। खैर का पहलू तलाश कीजिए, खैर देखिए कितनी है। अलामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह यहाँ इस हदीस के तहत तड़पे हैं, और पता क्या लिखा है, फरमाते हैं लोगों खैर देखो, खैर क्या हुई, सारा अलैहिस्सलाम जब तीसरी मरतबा वो उठा, कहता है दरवाजा खोलो, हवारी हो, मुशीर हो, वजीर हो, ये किस औरत को मेरे पास भेजती है, ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई शैतान जिन मालूम होता है। आज भी कोई ऐसा बात करे तो ये हमारा जनाब पंखा बंद हो गया, हमारे घर में कोई जिन हो सकता है, तार सड़ गई हो, नहीं जनाब जिन है, अपने आप बंद हो जाता, भाई कोई बटन भी खराब हो सकता है, बाद बंदा भूल भी जाता है कि मैंने बंद खुद किया या नहीं, नहीं जी साढ़े घर रात को बल्ब आपे बंद हो जाता, मैं तो सारी रात बैठा रहा, मैं तो कोई बल्ब बंद होता, पता नहीं कहाँ ये वो शायद वो बदअकीदा था, पता क्या कहता है, ये कोई जिनिया है, कोई शैतान है जो मेरे कमरे में तुमने भेजी है, और अगर ये पकीदा खातून है तो मेरी बेटी हाजरा जो है इसकी खिदमत के लिए वक्फ कर दो। मुसीबत में खैर का पहलू देखिए। सारा अलैहिस्सलाम बाहर निकली, फरमाया इब्राहिम नमाज में थे, फरमाया इब्राहिम जल्दी नमाज मुकम्मल करो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को भी बचाया, खिदमत के लिए उसने अपनी बेटी वक्फ कर दी, कहाँ इज्जत लूटने आया था, कहाँ इज्जत उनके हवाले कर बैठा। फरमाया ये मेरी बेटी है हाजरा, ले जाओ,
ये तुम्हारी खिदमत करेगी। इब्राहिम सम निकाह किया हाजरा अलैहिस्सलाम से, और निकाह के बाद अल्लाह ने बेटा दिया इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम आबाद हुए बैतुल्लाह के पास, उनकी नस्ल बढ़ी और अल्लाह ने उस नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। सैयदीन अबू हुरैरा फरमाते हैं, तिलका उम्मकुम, अहले अरब, ऐ आसमान के नीचे रहने वाले अरबियों, ये तुम्हारी माँ है कौन? हाजरा अलैहिस्सलाम। बतलाओ एक मुसीबत में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना खैर का पहलू रखा था कि तुम्हें एक मुसीबत के बदले हाजरा बख्शी और हाजरा से मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमाए। ये है अल्लाह की तरफ से खैर का पहलू। कोई मुसीबत आए मोमिन के लिए उसमें खैर जरूर है, तलाश कीजिए उस खैर को अल्लाह पर उम्मीद के साथ, तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ, ईमान के साथ, मुसीबत को गले लगाने के साथ और सब्र करने के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ खैर तलाश कीजिए। अल्लाह ने उसमें ज़रूर तुम्हारे लिए खैर लिखी है। अगर तुम मोमिन हो, साहिब तकवा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, ज़कात अदा करते हो, शरीयत के पाबंद हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए वो मुसीबत इंशाअल्लाह कोई ना कोई खैर का पहलू ज़रूर लाए। कुरान पढ़िए, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुतालिया कीजिए। यकूब अलैहिस्सलाम पर दुख आया, बुढ़ापे में थे, बेटा जुदा हो गया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब खैर के पहलू तलाश कीजिए। यकूब अलैहिस्सलाम रो रहे आंखों से आंसू गिरते गिरते, जब खबर आई बेटा कत्ल हो गया है या बेटे को भेड़िया खा गया है, ये खबर जब झूठी बेटों ने आके सुनाई, क्या फरमाया? वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह मददगार है, इस पर सब्र करूंगा। कोई जुमला ऐसा नहीं कहा। इसलिए हदीस में है, जिसका जवान बेटा फौत हो जाए, उसको मौत की इतला आए, वो सुन के कहे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह फरमाता है इस बंदे के लिए जन्नत में महल बना दो जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो। इसने जवान बेटे की मौत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, जो मेरे फैसले पे राजी है, मैं इसके लिए मुसीबत में भी खैर बना दूंगा। खैर है मुसीबत, मुसीबतों से लड़ो, जदा फदा नहीं, मुसीबत को सब्र के साथ, प्यार के साथ, अकीदे के साथ, मसायब अगर आ जाए, दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, उसमें खैर के पहलू को देखिए। देखिए यकूब अलैहिस्सलाम पर क्या हुआ। यकूब अलैहिस्सलाम का बेटा जुदा हो गया, यही दुख हमारे साथ। कौन सा दुख है जिसका जिक्र कुरान में नहीं? अगर तुम्हारे पर बेटा जुदा हो जाए तो यकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जेल में चले जाओ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पढ़ो। अगर इल्ज़ाम लग जाए तो सईदा आयशा सदीका की सीरत को पढ़ो। अगर दुश्मन खौफ हो तो मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ो। वालदैन मुखालिफ हों तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ो। औलाद नाफरमान हो तो नूह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ो। बीवियां बदअकीदा हों तो लूत अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ो। बतलाओ कौन सा मौका है जिसका जिक्र कुरान में नहीं है? कौन सी रहनुमाई है जहाँ जिसका जिक्र कुरान में नहीं? काश हम कुरान पढ़ने लग जाए, हदीस पर गौर करें, हदीस कुरान पाक को सुने। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में चले गए, कुएं से अल्लाह ने निकलवाया, मिस्र में गए, बिके, फिर जुलैखा के साथ मामलात जो हुए हुए, वो आपके इल्म में है। सुनिए, गौर कीजिए, पूरी सीरत को पढ़ी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, जेल से बाहर निकलते हैं, तख्ते मिस्र पे बैठते हैं, तख्त पे बैठ के अपने भाइयों को बुलाया, बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, सामने आए, जब उनके सामने झुके, वो ख्वाब पूरा हुआ। फरमा, अब्बा जी ये है हमारा ख्वाब, जब अल्लाह रहमत करना चाहे तो अल्लाह ऐसे फरमाता। कहाँ जेल, कहाँ कोठरियाँ, कहाँ बिकना, कहाँ वो कुएँ, कहाँ वो मसायब, कहाँ वो जुदाई, कहाँ वो गम, और कहाँ वो फसबर जमील का सिला, उस मुसीबत का सिला कि अल्लाह ने यकूब अलैहिस्सलाम की इस मुसीबत में कितने खैर के पहलू रखे। सारा पढ़िए। फिर ये सवाल पूछ सरवर कायनात मोहम्मद रसूल अल्लाह से हुआ कि बनी इसराइल मिस्र में कैसे आए। जब तो नबी अलैहिस्सलाम को सवाल हो ऐसे ना, साबिका कौन, याजूज माजूज कौन, रूद हकीकत की, उन सवालात अहले शिर्क अहले कुफर ने यह भी सवाल किया सी कि बनी इसराइल, इसराइल अलैहिस्सलाम, यानी इसराइल नाम है यकूब अलैहिस्सलाम का, यकूब तो उनका लक्ब है, नाम असल उनका इसराइल है, इसराइल की औलाद मिस्र में कैसे आई? ये तो किनान में रहते थे, मिस्र में कैसे आए, हमें इसकी तारीख बतलाइए। अब अल्लाह तबारक वतल सूरह यूसुफ नाजिल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा से होने वाले सवाल जवाब दिया कि मैं तुझे बताता हूं कि यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद किस तरह मिस्र में पहुंची, यकूब किस तरह से यूसुफ जुदा हुआ, किस तरह कुएं में आया, किस तरह बिका, फिर मिस्र में आया, फिर जेल में रहे और वक्त गुजारा, फिर अल्लाह नबुवत बख्शी, तख्त बख्शा, इक्तदार बख्शा, फिर ये दुनिया से चले गए। यकूब अलैहिस्सलाम यहां पहुंचे, वो भी चले गए, उनकी औलाद चली गई, आगे औलाद फैल गई जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, फिर इनके मुकाबले में वो किब्ती कौम पैदा हुई जो बढ़ी, और फिरौन उनमें से हुआ जो गालिब आया,
फरमाया। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल को यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को जनाब एक दफा जवाल से अल्लाह ने फिर उठा लिया उनकी औलाद को और मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना के उनमें भेज दिया। फिर तौरात नाजिल हुई, फिर अल्लाह ने खाने पके पकाए आसमान से उनके लिए उतारे, बदलों का साया किया, चश्मे उनके लिए जारी किया, अल्लाह ने तौरात नाजिल की, फिर ईसा बिन मरियम तक आइए, अल्लाह ने इंजील अता फरमाई। ये सारी तौरात इंजील बनी इसराइल मिस्र सूरह यूसुफ पूरा पीछे ले जाइए, एक तकलीफ पर सब्र है वो यकूब अलैहिस्सलाम का, एक तकलीफ थी उस पर सब्र है, ये आगे उसकी सारी तफसीर है। कुरान पढ़ते जाइए, कुरान पे गौर करते जाइए, सारी तफसीर है एक दुख की, एक मुसीबत की। सूरह नूर पढ़िए, सूरह नूर में क्या है, जिना की हद बयान हुई, हद कदफ बयान हुई, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत के लिए कानून बयान हुआ, खबरदार किसी को कोई जानी ना कहे, उस पर इल्जाम अगर लगाएगा तो याद गवाह देगा, गवाह नहीं देगा उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। ये सारी खैर के पहलू सिद्दीक कायनात को 50 दिन अल्लाह ने रुलवाया, वो रोती रही और सब्र करती रही। अल्लाह ने सईदा ऐशा की तहारत को नाजिल भी किया और उम्मत के लिए बेशुमार में खैर के पहलू नाजिल किए। कितनी है वो मुसीबत में खैर, अगर मोमिन सही ईमान पर रहे तो अल्लाह ने मोमिन की हर मुसीबत में मोमिन के लिए खैर लिखी। सूरह नूर को पढ़ी, सूरह यूसुफ को पढ़ी, सईदा मरियम को पढ़ी, एक एक मुसीबत के अंदर ये सब्र की वजह से इस्तेकामत की वजह से अल्लाह ने ये रहमत नाजिल फरमाई है, ये खैर अता फरमाई। लिहाजा मोमिन के लिए मुसीबत खैर है, लेकिन मोमिन पर लाजिम है कि मुसीबत में बेसब्री ना करे, जदा फदा ना करे, लान तान ना करे, उसको बुरा ना कहे, इसका सुन्नत के साथ मुकाबला करे, शरीयत की रोशनी में मुकाबला करे, सब्र करे, सब्र करते हुए अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, कहे कि मेरे अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तू अगर ऐसे राजी है तो मैं ऐसे राजी हूं। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ी, यूनुस अलैहिस्सलाम को पढ़ी, ये वाकयात ऐसे नहीं बयान हुए एक सिर्फ चस्के के लिए पढ़ के उठ के सुन के चले जाइए, ये गौर कीजिए और अपने हालात पर, अपने मुकाम पर, अपनी जात पर, अपने घर पर, माहौल पर फिट कीजिए और ऐसे बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह जिन पर जिस तरह उन पर रहमत नाजिल करता रहा, अल्लाह ऐसे ही तुम पे भी रहमत नाजिल करे। कुरान ने कहा यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र करके, अगर हमने उनको निजात दी है, क़यामत तक जो मोमिन ऐसे करेगा हम उसको भी निजात देते रहे, लेकिन शर्त है कि मुसीबत को बुरा ना कहे, मुसीबत हमारे लिए खैर है इंशाल्लाह। बुखार आ जाए, हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदे को अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तो फला बंदे को मैं जन्नत देना चाहता हूँ, फला बंदे को मैं जन्नत देने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तो बड़ा गुनाहगार है, उसको जन्नत में तुम कैसे भेजोगे, गुनाह की बुनियाद पर तो वो जन्नत में जा नहीं सकता, नेकियाँ उसके पास कम है, गुनाह ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तो परेशान क्यों होते हो, हैरान क्यों होते हो, इसने ज्यादा गुनाह की है ना, मैं इसको बीमारी दूंगा, ये सब्र करेगा मैं इसके गुनाह को माफ करके जन्नत दे दूंगा, और क्या है बीमारी दे दूंगा, तकलीफ दे दूंगा, उस पर ये सब्र करेगा जन्नत दे दूंगा, गुनाह इसके माफ हो जाए, गुनाह खत्म हो जाए, मुसीबत कोई भी आ जाए उसमें इंशाल्लाह हमारे लिए खैर है सुन्नत के मुताबिक। बस देखिए उलमा से पूछिए, जिस तरह डॉक्टरों के साथ रब्ता रखती है इस तरह उलमा के साथ भी रब्ता रखा करें, पूछा करें कि ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, इसमें हमारा कोई शरीयत के मुताबिक जो इलाज है वो बताएं शरीयत के साथ। याद रखिए जो बंदा उलमा से कट जाता है वो खुद बीमार हो जाता है, वो ऐसी बीमारी है जिसमें कोई शिफा नहीं। अगर बीमारियों से शिफा चाहते हो जिस तरह मुआलिज तुम्हारा, इस तरह तुम्हारा एक आलिम भी होना चाहिए जिससे तुम्हारा ताल्लुक हो, दोस्ती हो, उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, चलना हो, पूछना हो। उलमा से कट जाना गुमराही, इंसान खत्म हो जाता है, जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है। जिस तरह रुआ जिस्मानी मुआलिज के साथ रब्ता होता है कि फलां डॉक्टर मुझे दवाई दे तो वो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो मुझे शिफा होती है, इस तरह रूहानी मुआलिज के साथ भी रब्ता जरूरी है, वो अहले हक का आलिम हो, कुरान का आलिम हो, दीन का आलिम हो, शरीयत का आलिम हो, वो तुम्हारी रूहानी तौर पर तरबियत करता रहे, वो तुम्हारी जिस्मानी तरबियत करता रहे, दोनों तरबियतें मिल के इंशाल्लाह तुम्हारा जिस्म भी ठीक रहेगा, तुम्हारा ईमान भी ठीक रहेगा और हर मुसीबत में उसके लिए रहनुमाई भी होगी और तुम्हारी खैर भी इंशाल्लाह होगी। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तफ़ुल्लाह ली वलकुम सलाम मुस्लिमीन व आखिर दुआ वाजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।